आज अभी जो आप बुक सुनने वाले हैं, ये वो बुक है जो दुनिया में बहुत से लोग दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बुक लिखी कैसे गई थी और इसके पीछे कितनी सारी मेहनत की गई है? वैसे इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और कहा कि मैं दुनिया को एक अमीर बनने का सीक्रेट और उसकी फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 साल का समय लग सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए 20 साल तक काम करोगे? लेकिन तुम्हें कोई सैलरी या पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मुझे अभी के अभी हाँ या ना में जवाब दो। अब ये सब सुनकर के तो पहले नेपोलियन हिल को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे ये काम कर ही लेना चाहिए, और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये सब फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। जाओ पता करो कि इन सब में क्या कॉमन है और ये अमीर कैसे बने। इनमें सबसे पहला नाम था हेनरी फोर्ड का। आई होप हम सब जानते हैं कि मिस्टर फोर्ड कौन है, और अगर नहीं जानते हैं तो उनकी फोर्ड गाड़ियां तो पक्के से जानते होंगे। इसके बाद वो और भी फेमस लोगों से मिले, जिनमें अलेक्जेंडर ग्राहम, थॉमस एडिसन जैसी पर्सनालिटीज शामिल थी। और 20 सालों की मेहनत के बाद नेपोलियन हिल ने ये बुक पब्लिश की और हमें कई सारे स्टेप्स के थ्रू बताया कि एक कॉमन आदमी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, अपना माइंडसेट चेंज कर सकता है और अमीर बन सकता है। सो आई होप आप एक्साइटेड होंगे नेपोलियन हिल की 20 साल की मेहनत को सुनने के लिए, यानी उनकी बुक मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच को सुनने के लिए। तो आइए इस सफर का हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस किताब के बारे में। एक इंसान जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोची। हमारे विचारों में अनलिमिटेड पावर होती है। अगर इन विचारों में पर्पस और मजबूत इरादे जुड़े हुए हों तो आप अमीर बन सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। एडविन सी बर्न्स ने ये खोज निकाला कि कैसे विचार यानी कि थॉट्स की पावर से अमीर बना जा सकता है। इस खोज में सक्सेस पहली कोशिश में हासिल नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे हासिल हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस इच्छा से हुई जो उन्हें महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए चैन से सोने नहीं दे रही थी। बर्न्स की उस विल पावर की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो क्लियर थे कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के ऑफिस में काम करना है। अब बर्न्स की कहानी को ध्यान से सुने कि उनकी सोच हकीकत में कैसे बदली। फिर आपको वो तीन नियम बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जो आपको अमीर बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौन था, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उनके रास्ते में दो चुनौतियां थी। पहली तो ये कि एडिसन से उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी और ना ही एडिसन उन्हें जानते थे। दूसरा ये कि उनके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा ही नहीं था कि वो ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये सारी चुनौतियां इतनी बड़ी थी कि ज्यादातर लोगों के कॉन्फिडेंस को डगमगा दे और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। लेकिन उनके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी और हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट माल गाड़ी से सफर करके ईस्ट ऑरेंज तक पहुंच गए। उन्होंने एडिसन के लेबोरेटरी में खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आए थे। काफी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस तरह किया था। वो मेरे सामने एक आम टूरिस्ट की तरह खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे का तेज देखकर ये पता चल गया था कि वो जिस कारण से यहाँ पर आया है उसके लिए पक्का इरादा करके आया है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे ये नॉलेज हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे सक्सेस को पाकर के ही रहना है। धीरे धीरे उसके काम ने यह भी साबित कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर के कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि उन्हें एडिसन के साथ में काम करना है। तो इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर थॉट की पावर की ये बात हर रीडर तक पहुंच जाए तो उन्हें पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही इंटरव्यू के बाद एडिसन के बिजनेस पार्टनर नहीं बन गए थे, बल्कि उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी में काम करने का मौका दिया गया था। ये काम ऐसा था जो एडिसन के लिए ज्यादा काम का नहीं था,
पर बर्न्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस मौके ने बर्न्स को अपने होने वाले पार्टनर को अपनी बिजनेस स्किल दिखाने का मौका दिया था। उनके होने वाले पार्टनर वहां पर उनके काम को परख सकते थे। कई महीने बीत चुके थे पर ऐसा कुछ भी खास नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस गोल तक पहुंच सके जो उन्होंने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा था। पर उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसका रिजल्ट बाद में निकला, पर तब तक वो सबकॉन्शियसली एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने के अपने विचार पर और भी जोर देकर सोचने लगे थे। साइकोलॉजिस्ट ने ये सही कहा है कि जब भी कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो हकीकत में आपके सामने आ जाता है। बर्न्स पूरी तरह एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार थे और वो तब तक अड़िग खड़े रहे जब तक उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहे थे। उन्होंने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं तो चलो सेल्समैन की जॉब आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उन्होंने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। ये सच है कि अगर आप एक पर्पस को लेकर के पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बंस को ये बात पता नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूत विल पावर और पक्के इरादे ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके उन्हें वो मौका दिला दिया था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वैसे मौकों की खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये मौके आने लगते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मौकों की ये चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई बार तो दुर्भाग्य और कुछ पलों की हार के रूप में भी हमारे सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर लोग इन मौकों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टार्टिंग मशीन था, बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बर्न्स को बस इसी मौके की तो तलाश थी। उन्होंने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग एक्साइटेड थे, एक तो बर्न्स और दूसरा उस मशीन को बनाने वाला। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को पूरे देश के मार्केट में डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस की सक्सेस ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स, यानी कि एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। ये बिजनेस डील इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत अमीर बना दिया, पर इससे ज्यादा उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना पैसा कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उन्होंने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी अमाउंट रहा हो, ये उस नॉलेज के सामने फीकी पड़ जाती है जिन रूल्स की मदद से, जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया था जो वो असल में चाहते थे। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उन्हें एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है, जब उनके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो इस थॉट को और मजबूती के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक कि वो उसे हासिल न कर ले। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उनके पास हिम्मत थी, विश्वास था और विल पावर थी कि वो जीत सकते हैं। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महान इन्वेंटर का दाया हाथ बन बैठे। तो आइए अब उस इंसान की कहानी के बारे में जानते हैं जिनके पास अमीर बनने के कई सारे मौके थे, पर उन्होंने अपने गोल से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। थोड़ी हार के कारण कोशिश करना छोड़ देना फेलियर का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास जरूर से होता है। आरयू डोबी, जो कि बाद में देश के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बने, वो अपने अंकल की कहानी बताते हैं कि उस समय लोग सोने यानी कि गोल्ड के पीछे पागल थे। तब उनके अंकल पर भी औरों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वो वेस्ट की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने के लिए निकल पड़े। शायद उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं था कि हमारा दिमाग सोने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ना कि जमीन। वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ठान कर गए थे। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ मेटल दिखाई दिया। उन्हें इस मेटल को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी,
जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस कामयाबी के बारे में बताया। उनकी बातों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था और सभी ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीद कर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती मेटल के पहले बैच को गलाने और उसे प्योर करने के लिए भेजा गया तो उसका रिजल्ट देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे दुखी और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। उन्होंने सोने के सिरे यानी कि उसकी टिप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और अंत में उन्होंने उस मशीन को बेच देने का फैसला ले लिया। वो एक कबाड़ी को कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। आपने सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो आदमी उनमें से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक माइनिंग इंजीनियर को वो खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देख करके अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां पर डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। और हकीकत में हुआ भी वही। वो कबाड़ी उस खान से निकले मेटल की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी काम को छोड़ने के पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका पेमेंट डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का पैसा चुकाने में कई साल लग गए। इतना नुकसान होने के बाद वो इस गेम से तब निकल पाए जब वो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बने और उन्हें पता लगा कि थॉट की पावर के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने असीम दौलत हासिल करने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर कोशिश करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस एक्सपीरियंस से बहुत फायदा हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना ही हो, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने काम को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये तय कर लिया कि उन्हें कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना मिल जाए, यानी जब तक इंसान हाँ ना कह दे। सक्सेस का रास्ता कुछ पलों के फेलियर से होकर गुजरता है। ज्यादातर लोग काम को बीच में ही एक फेलियर के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि फेलियर सिर्फ कुछ देर का इंतजार है, हार नहीं। अमेरिका के लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सक्सेस तब मिली जब हार उनके बिल्कुल करीब थी। तो फेलियर इस मामले में बहुत ही चालाक होती है। वो लोगों के मन को भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सक्सेस बहुत ही करीब होती है। हार्ड नॉक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के कुछ दिनों के बाद मिस्टर डर्बी ने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले किस्से से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि ना का मतलब ना ही हो। एक दोपहर वो अपने अंकल की गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई और दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेजी से गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं। मैं नहीं दूंगा, अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। तो उस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, और वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए और काम में इतना मसरूफ हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर के बाद जब उन्होंने पलट कर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वो फिर से चिल्लाए, जाती हो यहां से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यही जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मील में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी आदमी है। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ आई और अंकल की नजरों से नजर मिलाते हुए हिम्मत करके बोली, वो पैसे मेरी मम्मी के हैं,
उन्हें दे दीजिए। अंकल वहीं रुक गए। उस बच्ची को एक मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से डंडे को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा डॉलर निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वो पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के बाद अंकल एक चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने पहली बार देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे आदमी का इतनी अटलता या फिर हिम्मत के साथ सामना किया था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूरज जैसा गुस्सा चंद्रमा के समान शांत हो गया। इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े आदमी पर चला दिया। डर्बी का दिमाग इन्हीं सवालों के चारों तरफ घूम रहा था पर उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। जानते हो कि डर्बी ने उस अनोखी घटना के बारे में ऑथर को उसी पुरानी मील में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उनके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मील में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी और डर्बी फिर से उसी को दोहराते हुए सवाल कर बैठी। आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी खास ताकत थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया। इस सवाल का जवाब इसी किताब में एक प्रिंसिपल के रूप में बताया गया है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले चैप्टर में आपको इस अनलिमिटेड पावर की एक झलक दिखाई देगी। इस बुक में कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने फायदे और जरूरत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक अकेले थॉट के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या फिर मकसद के रूप में भी। फिर से आपको अपने अतीत में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद आप वो चीज फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्चे ने अनजाने में ही उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी मिस्टर डर्बी के मन में उनके 30 साल के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट का रास्ता एक एक करके फिल्म की तरह चल पड़ा। उन्हें ये एहसास हो गया कि इंश्योरेंस एजेंट के रूप में सक्सेस किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वो उस एक कीमती सबक की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा था। मिस्टर डर्बी ने बताया कि जब किसी चीज के होने का चांस कम होता नजर आता है या फिर मेरे इंश्योरेंस करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मुझे उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है कि असल में ना का मतलब ना नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे इंश्योरेंस खरीदने वाले सबसे ज्यादा वही लोग हैं जिन्होंने पहले ना कहा था। उन्होंने याद किया कि वो गोल्ड हासिल करने से सिर्फ 3 फीट पहले ही रुक गए थे, पर उस एक्सपीरियंस ने उन्हें सक्सेसफुल होना सिखा दिया था। उसने डर्बी को ये सिखा दिया कि सक्सेस उसे नहीं मिलती जो उसके लिए कोशिश करते हैं, बल्कि सक्सेस उसे मिलती है जो सक्सेस पाने तक कोशिश करते हैं। मिस्टर डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां बेशक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहता है। उन सभी के लिए ऑथर मिस्टर डर्बी के वे 2 एक्सपीरियंस बताते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस की वजह से हर साल उन्हें 10 लाख से ज्यादा डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी अजीब है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सक्सेस हाथ लगती है तो कभी फेलियर, कभी खुशियां मिलती है तो कभी निराशा, पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, सिर्फ 2 लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उस फेलियर को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उसके बारे में सोचा और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई फेल होना चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि फेलियर के एक्सपीरियंस से ही सक्सेस का दरवाजा खुलता है। कई बार फेलियर ही हार को जीत में बदलने का एक्सपीरियंस देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। तो इससे पहले कि हम उन 3 प्रिंसिपल्स की ओर बढ़े, आपको ये सुझाव बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने साल ये कहां छुपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाली बात आपको लग सकती है, क्योंकि हजारों सालों से आम जनता को तो यही लगता आया है कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
जब आप थॉट की पावर से अमीर बनने के प्रिंसिपल्स को जान लेंगे, तब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी पक्के गोल होते हैं, वे कम या फिर ना के बराबर मेहनत में ही सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे कि किस तरह से उस माइंडसेट को हासिल किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। तो इसकी रिसर्च में मेरी 25 सालों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से इंसान अमीर कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सच है जो आपको जानना चाहिए। 1929 यानी कि 1929 में देश में मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना शुरू किया, पूरा मार्केट इस तरह स्पीड पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का आना ठीक वैसा ही था जैसे कि एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता